जिला उद्योग व्यापार मंडल के कार्यकर्ताओं ने कपड़ा तथा जूते पर जीएसटी के बढ़े दर को वापस लिए जाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में जिला उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष बलराम अग्रवाल ने बताया कि भारत सरकार के द्वारा कपड़े और जूते पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया, जिसका व्यापारी समाज विरोध करता है। उन्होंने कहा, यह बढ़ी दरें आम नागरिकों के जीवन पर असर डालेगा और नागरिकों को महंगाई का सामना करना पड़ेगा, जिससे व्यापार प्रभावित होगा। उन्होंने कहा, इस साल कपड़े का रेट 25% बढ़ गया है तथा जीएसटी बढ़ने पर आम नागरिक महंगाई को झेलेगा। उन्होंने कहा, हमारी मांग है कि बढ़ी दर को सरकार वापस ले। इस अवसर पर जिला उद्योग व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष अमित टिबरेवाल, संतोष वर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष बलराम अग्रवाल ने कहा, हित सरकार के खिलाफ नहीं, व्यापारियों के हित में है और आम जनता के हित में, व्यापारी हित में कुछ नहीं। जो कपड़े बढ़ते हैं बारे लगेगा तो आम जनता बलराम अग्रवाल के जिला उद्योग व्यापार मंडल जिला अध्यक्ष। हम लोग जीएसटी के विरोध में जो कपड़े पे और ईंट भट्टे पे जूते चप्पल पे 5% की जगह पर 12% जो लगा रही है गवर्नमेंट, उसके विरोध में कर रहे हैं। कपड़ा ऑलरेडी हम लोग कपड़े के व्यापारी हैं, इसमें सब तरह के व्यापारी हैं। कपड़े के हम लोग देख रहे हैं, इस साल 2021 में 25% रेट ऑलरेडी बढ़ चुका है और जीएसटी ये बढ़ जाने पर ये आम जनता एकदम पीसी जाएगी। हमारे ऊपर तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, आम जनता के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ा है, उपभोक्ता के ऊपर। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं हम लोग की सरकार इसके आदेश को वापस ले ले और इसको फिर से पूर्ववत आम जन के हित को देखते हुए और इसे पूर्ववत कायम रखे कि जिससे कर चोरी भी बच सके। बस आज ज्ञापन भी दिया, हम लोग ज्ञापन दिए इसी नाते, जिलाधिकारी महोदय दिया गया, प्रधानमंत्री के लिए जिलाधिकारी द्वारा संबंधित किया गया।